सोलन में आज से सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। सोलन का सबसे प्रसिद्ध सुलनी मंदिर भी आखिर 6 माह बाद खुल ही गया, जिसके चलते माता सुलनी के भक्तों के चेहरों पर बेहद खुशी देखी गई। हालांकि मंदिरों में लोग कोरोना संक्रमण के चलते बेहद कम आ रहे हैं, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। माँ सुलनी के सच्चे भक्त 6 माह से उनके दर्शन को ललायत थे, उनकी इच्छा आज जाकर पूरी हुई। सुलिनी मंदिर में लोग सुबह से ही आना आरंभ हो गए थे और माता सुलिनी के दर्शन कर वे सभी माता का आशीर्वाद लेना चाहते थे। मंदिर में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। SDM सोलन अजय यादव ने खुद मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर माँ सुलिनी के भक्तों ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान भी मंदिर जरूर आते थे, लेकिन मंदिर के किवाड़ बंद होने की वजह से वे आशीर्वाद लेकर नीचे से ही लौट जाते थे। लेकिन आज 6 माह बाद उन्हें माता के दर्शन करने का मौका मिला है, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यहां सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, जो बेहद अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और श्रद्धा दोनों को ध्यान में रखते हुए वे माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि जब तक माँ सुलिनी का आशीर्वाद उन पर है, उन पर कोई विपदा नहीं आएगी। प्रथम तो मैं माँ सुलिनी से प्रार्थना करता हूँ कि शहरवासियों और शहर पे माँ का आशीर्वाद बना रहे और इस जिस महामारी से अभी हम लड़ रहे हैं उससे हमें जल्द ही निदान मिले। जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन आई थी उसमें यह तय हुआ था कि 10 सितंबर से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनको आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से एक डिटेल गाइडलाइन आई है, दिशा निर्देश आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मुख्य निर्देश उसको हमने पोस्ट भी किया हुआ है अलग अलग जगह मंदिरों पर। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें यह है कि कुछ लोगों की एंट्री अभी रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग या जिनको कोई अभी बीमारी है, खांसी जुकाम ऐसा कुछ है, या को मॉर्बिड कंडीशन है, गर्भवती महिला है, 10 साल से कम के बच्चे, उनको सलाह दी जाती है कि वो मंदिर में ना आए, क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ होती है। तो जो मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन है उसमें भी ये साफ साफ लिखा गया कि ऐसे लोग मंदिर ना आए। दूसरा, अगर मंदिर के आसपास नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं या कंटेनमेंट जोन में आता है तब मंदिर क्लोज रहेगा, अदरवाइज़ जो हमारी जो नॉर्मल गाइडलाइन है जिसको हम SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, भौतिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है और सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ को धोते रहें, इसके लिए भी मंदिर कमेटी की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। एक हैंड सैनिटाइजर इंस्टॉल किया गया है, बाकी वॉशिंग के लिए सोप वगैरह भी रखे गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए मार्किंग की गई है तथा मंदिर प्रांगण में जो भी दुकानदार हैं उनको भी पूरी तरीके अच्छे तरीके से गाइडलाइन के बारे में बताया गया है। और मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। मैं पिछले 6 महीने से डेली आ रही हूँ, बट नीचे से माता के दर्शन हो रहे हैं, बट आज ऊपर से दर्शन हो गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सबकी श्रद्धा माता से जुड़ी हुई है। हम लोगों को ऐसा लगता है जब तक माता हम लोगों के साथ है तब तक हम कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली माता को देखने का मौका मिल रहा है 6 महीने बाद, और श्रद्धा है लोगों की और सब आएंगे भी, दर्शन भी करेंगे और प्रिकॉशन भी पूरे पूरे लेंगे। सेहत है, श्रद्धा, सेहत, हर चीज़ साथ साथ चलती है, तो अच्छा रहेगा कि सब इसका पालन भी करें और दर्शन भी करें माता। आज 6 महीने बाद माँ सुलिनी माता के मूर्तियों के साक्षात दर्शन हम लोगों ने किए और आज बड़ा खुशी का, हर्ष का पर्व है कि आज हम मंदिर में आए और माँ के साक्षात दर्शन हमने किए और माँ की कृपा इसी तरह से पूरे शहरवासियों जिस तरह हमारे बनी रही। हम वैसे भी मंदिर आते थे रोज, लेकिन हम मंदिर के गेट के ऊपर से माथा टेक के हम लोग निकल जाते थे, लेकिन आज वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आज मंदिर में आकर माँ के दर्शन किए और माँ की कृपा पूरे सोलन वासियों पर इसी तरह से बनी रहे।